नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Xiaomi Poco F3 GT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 6.48 इंच जबकि Poco F3 GT में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 इंच जबकि Poco F3 GT में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro में 0.32 इंच जबकि Poco F3 GT में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro में 192 ग्राम्स जबकि Poco F3 GT में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में सुपर AMOLED जबकि Poco F3 GT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro में 85.8% जबकि Poco F3 GT में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Poco F3 GT की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco F3 GT में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Adreno 618 जबकि Poco F3 GT में Mali-G 77MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G और Poco F3 GT में MediaTek Dimensity 1200MT 6893 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 10 Pro में 64GB जबकि Poco F3 GT में 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में अप टू 512GB जबकि Poco F3 GT में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Pro में 5020mAh जबकि Poco F3 GT में 5065mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में 3 कलर्स जबकि Poco F3 GT में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro की 17,857 रुपीस जबकि Poco F3 GT की 26,999 रुपीस प्राइस है।
जो कि Redmi Note 10 Pro से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Poco F3 GT की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 10 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Poco F3 GT आगे है। इंटरनल मेमोरी में Poco F3 GT आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 7 Pro है जो कि 17,599 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।